शुभ प्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और व्याकरण में विषय है भाषा। तो भाषा, हम जानते हैं कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और हम लोग भी अपने आसपास में, घर के आसपास में देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, अलग अलग भाषा प्रयोग करते हैं। और लेकिन हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम अपनी बात को दूसरों को बताने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और जानते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब लेन देन, एक दूसरे के विचारों को हम लोग जानते हैं और दूसरे जो है वो हमारे विचारों को जानते हैं, जिससे हम लोग बातचीत करते हैं। तो मैंने भाषा की परिभाषा यहाँ लिखी है, उसको पढ़ूंगी। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं। अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं बच्चों, मतलब जैसे हमें कुछ चाहिए होता है मम्मी पापा से, तो हम लोग जब तक कुछ नहीं बोलेंगे तो मम्मी पापा नहीं समझेंगे और वो वस्तु हमको नहीं प्राप्त होगी। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं और जब बोलते हैं तो वो कुछ भाषा में बोलते हैं जिसको हमारे मम्मी पापा समझते हैं और उसको वो पूरा करते हैं। तो भाषा की परिभाषा है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर, या तो बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अपने मन के भावों को हम लोग बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों के विचारों को हम लोग कानों से सुनकर और पढ़कर समझते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। तो मैं सोचती हूँ भाषा समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो पहले हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा, हम बोलकर अपनी बात कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा मतलब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा जो है उसे सुनकर समझता है, उसे ही हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपनी बात दूसरों को लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं, मौखिक भाषा, हम अपनी बात जो है वो बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में हम अपनी बात को लिखकर, चाहे वो पत्र में लिखकर, चाहे ईमेल में लिखकर, हम लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग उस लिखी हुई पत्र को, चाहे ईमेल को पढ़कर उसे समझते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिखित भाषा। तो मैं सोचती हूँ आज भाषा के विषय में हम लोग सब समझ चुके हैं। अगले दिन मैं इसको कार्य के रूप में आपको बताऊँगी। धन्यवाद।